नमस्कार, स्वागत है आपका DGPR के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे UPSC मीडिया को लेकर हमारे साथ जुड़े विशेष मेहमान की, जो इस समय भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी हैं, श्री दीपक द्विवेदी जी। आपने 2021 में UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद बतौर IIS ट्रेनी भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानेंगे सर की यात्रा के बारे में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलाव को भी जानेंगे सर से। तो सर, आपका स्वागत है और पहले शुरुआत करेंगे आपके जीवन की यात्रा, यहाँ तक कैसे आई, कैसे शुरुआत की आपने? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का निवासी हूँ जी, और मेरी प्राथमिक शिक्षा गोंडा जिले से ही जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई है। उसके बाद मैंने उच्चतर शिक्षा के लिए इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो सर, आप सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इस क्षेत्र में सिविल सर्विस में कैसे आए, मतलब तो क्या? मेरा जब मैं नवोदय में पढ़ रहा था तभी मैंने देखा हमारे विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अच्छा। तो फिर एक बार जिला अधिकारी ने हमारे विद्यालय में विजिट किया जी जी। फिर वहां से मेरे को समझ में आया कि जिला अधिकारी के पास कितनी शक्तियां होती हैं और वो चाहे तो कितने समाज में कितने बदलाव ला सकता है। वो मेरी पहली मुलाकात थी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से। तो मैं वहां से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और इंस्पायर हुआ। उसके बाद जब मैंने इलाहाबाद आया अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर वहाँ से मैंने अपने फाइनल ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, तो जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं सर, मतलब मैं संक्षेप में इस इंटरव्यू को लेना चाह रहा हूँ, तो जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति आप बताना चाहेंगे, कैसे क्या हो सकता है, टाइम टेबल क्या हो, सेल्फ स्टडी हो या फिर कोचिंग लें, संक्षेप में अगर आप बता पाए। सिविल सेवा में का जो अभी पैटर्न है उसमें आपको पता होगा, पहले आप प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा लें जो इंटरेस्टिंग हो, जिसका सिलेबस छोटा हो और जिसको आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप खुद से उसकी प्रिपरेशन कर पाएं बाद में। और प्रीलिम्स जहाँ तक है, प्रीलिम्स में तो आपको जनरल स्टडीज ही पूछता है, उसके साथ सीसेट का पेपर होता है। और मैं सुझाव दूंगा UPSC एस्पिरेंट्स को कि सीसेट के पेपर को हल्के में बिल्कुल मत लें, उसको बहुत ही सिंसियरली तरीके से प्रिपेयर करें। समय सारणी अगर जैसे थोड़ा सा संक्षेप में, समय सारणी मैं सोचता हूँ कि ये अपना सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है। बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने जीवन में कभी सुबह उठ के पढ़ाई नहीं की, मैं हमेशा रात में नाइट आउट आउल जिसको बोलते हैं, मैं उस निशाचर टाइप का प्राणी हूँ, तो रात में मैं देर तक जगते पढ़ाई करता। सर, अक्सर जब UPSC की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि 0.1% या 0.1% का चांस होता है। मैं कुछ आंकड़ों पर अगर बात करूँ तो 2019 में 927 सीट थी, 2020 में 836 सीट, फिर 2021 में 749 सीट, यानी लगातार जो सीट का आंकड़ा है वो घट रहा है और कॉम्पिटिशन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एक और सीट घट रही है, तो बच्चों को तैयारी जो है कि क्या टफ होती जा रही है, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो ये पैटर्न जो है कि समय के बाद समय के अनुसार सीटें घटती चली जा रही हैं, ये तो है। बट इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। पर अगर हम सरकार की नीतियों पे गौर करें तो मोदी सरकार भी इस बात पे को बोलती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सरकार का साइज वो भी घटाना चाह रही है और सरकार से यही उम्मीद करती है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स हों बहुत ही इफिशियंट और इफेक्टिव हों, ताकि कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पहलू है और कंपटीशन बढ़ने से हमारे जो बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हैं वही सामने आएंगे जो सरकार को आगे तक जी। सर, अभी आपने बताया कि आपने BTEC की पढ़ाई इलाहाबाद से की, तो क्या एक कैरियर के लिए बैकअप था? हाँ, मैं मेरी परिवार मूलतः खेती किसानी में ही लगा हुआ है, कोई ऐसा बड़ा बैकग्राउंड है नहीं। तो उस टाइम मैं भी सोचता था कि पीछे बैकअप प्लान रखें कि इफ नॉट सिविल सर्विसेज देन व्हाट, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि सिविल सर्विसेज को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम होती है। तो इसलिए मैंने भी बैकअप प्लान बना के रखा था। और मेरी पहली सर्विस थी वो प्राइवेट सेक्टर में ही थी, मैं चेन्नई में मेरी जॉब थी। अच्छा। मैंने लगभग 1-1.5 साल तक वहाँ पे सर्विस की, उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया, फिर UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो रिजाइन करने के बाद आपने तैयारी शुरू की? जी जी। अच्छा सर, मैंने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर देखी है, उस तस्वीर में आप हवाई जहाज में बैठे हुए हैं और वो तस्वीर 2010 की, आप जापान की यात्रा पर हैं। उस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी है और 2010 में आपकी यात्रा?
एक्चुअल में मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक विद्यार्थी था, तो 10वीं क्लास में मेरे नंबर भी थोड़े ठीक ठाक थे। इसके अलावा मैं भारतीय स्काउट एंड गाइड से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी वजह से उस समय एक स्कीम थी जापान गवर्नमेंट को, जिसको जेनेसिस बोलते हैं। वो एक बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, जिसमें भारत के विद्यार्थी जापान जाते थे और जापान के विद्यार्थी भारत आते थे। तो उस समय में भारत देश से टोटल 72 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें मेरा भी चयन हुआ था। तो मैं 15 दिन पे पूरे सरकारी खर्चे पे मैं जापान गया था, वो मेरी पहली हवाई जहाज की यात्रा थी। तो उसको लेकर के सर कुछ अनुभव साझा करेंगे। अक्सर जैसे कि पहले ज़माने में ये होता था कि लोग विदेश जा दूसरे राज्य जाना अपने आप में विदेश जाना मानते थे, बिल्कुल और आपकी इतनी कम उम्र में इस तरीके की यात्रा जरूर दिलचस्प रही होगी। कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसा अनुभव? जब मैं सबसे पहले टोक्यो में पहुंचा तो मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। जापान एक विकसित देश है, जैसा आप सभी बिल्कुल को लोग जानते जी हैं। जी वहाँ पे सफाई की गुणवत्ता, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गुणवत्ता, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल इंडिया से बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। तो वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मन में थोड़ा सा दुख भी हुआ कि हम आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैंने मन में ठाना कि भविष्य में मैं जब भी कभी ऑफिसर बनूंगा तो जी मैं भी अपनी पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, ताकि भारत देश को भी आने वाले समय में एक विकसित राष्ट्र बनाया जा जी सके। अब हम सर आते हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सर जैसे इस समय डिजिटल क्रांति यानी डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है, तो सर आपको इसको कैसे? हाँ, जैसे कि आपको पता है टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार होती है, तो टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण की वजह से सरकार जो सर्विस डिलीवरी कर रही है उसमें तो सरकार को काफ़ी मदद मिल रही है। जो हाँ चीज़ें बिल्कुल जैसे बिजली का बिल के भुगतान के लिए पहले लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन पर तो इससे तो सर्विस डिलीवरी में बहुत सहूलियत मिली है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि फेक न्यूज़, जैसे कि आपने बोला, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि फेक न्यूज़ पे और मिस इन्फॉर्मेशन जो समाज में फैल रही हैं, जिसके वजह से लैंड ऑर्डर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है उनको टैकल करना। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है कि आज जो है कि वर्ल्ड फ्री प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे है, तो इसको लेकर के एक सवाल जायज़ है कि लगातार जो भारत की सूचकांक है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। जैसे कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 में ये 161वें स्थान पर है 180 की तुलना में, वहीं 2017 में ये 150वें स्थान पर था। जैसे जैसे सर हम आगे बढ़ रहे हैं साल के स्तर पर, वैसे वैसे ही हमारा स्तर घट रहा है विश्व सूचकांक, है ना? मीडिया के संदर्भ में सर तो जी सर इसको लेकर के क्या अपनाया जा सकता है कि हम कम से कम इस पे बेहतर कर कर सकें? सकें। अब जैसा कि आपने आंकड़े दिए, आंकड़े तुम आपने सही बताए, मगर इसके बारे में मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है। मैं मानता हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपगेंडा है भारत की इमेज को खराब करने के लिए। जी अगर हम इनकी मेथोडोलॉजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग कुछ ही पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं, और इनकी जो टारगेट इनटेक होती है जिससे लोग आंकड़े लेते हैं वो गिनी चुनी संस्थाएं हैं और कुछ गिने चुने पत्रकार हैं। जी जैसे 2017 की बात करें तो शायद इन्होंने 18 NGO और लगभग 150 पत्रकारों से इन्होंने फीडबैक लिया था, उसके बेसिस पे इंडिया की रैंकिंग डिफाइन की थी। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों के फीडबैक के ऊपर भारत देश में पत्रकारिता का क्या स्थिति है आप ये नहीं नहीं डिटरमाइन कर सकते। बिल्कुल सर और जैसा कि मीडिया में कुछ सेक्शन में ये भी बात चलती है कि जो संस्था है, इसको रिपोर्टर्स सेंस बॉर्डर बोलते हैं, जी जो ये डेटा को पब्लिश करता है, वो उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो क्या कौन कौन उसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत क्लियरली नहीं मेंशन किया हुआ है। तो इससे उनकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमारी जो खुद की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसने भी इस डेटा को नकार दिया है, वो भी इस डेटा को सत्य नहीं मान रही जी है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे और देशवासियों से यही अपील करूंगा कि हमारे जो खुद के ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनकी रिपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दें, और इन रिपोर्ट को, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट बिल्कुल उनको एक पिंच ऑफ साल्ट के साथ लें। बिल्कुल सर,
जैसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को बोला जाता रहा जी है ना, तो आने वाले समय में क्या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जो रिलायबिलिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, वो कटघरे में आता रहा है। तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ भी बढ़ रहा है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी, या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया जो है वो धीरे धीरे जो है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन उसका रिप्लेसमेंट कर देगा? मैं मानता हूं कि डिजिटलीकरण की वजह से हमारी मीडिया और ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। पिछले समय में जब हमारे पास डिजिटल मीडिया नहीं था तो पत्रकारिता और समाचार पत्र एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अब डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया की बात से क्या हो चुका कि भारत देश का सभी नागरिक एक पत्रकार बनने की हैसियत रखता है। समाज में जो कुछ भी हो रहा है लोग उसकी फ़ोटो डाल के, हमारे पास वेरियस प्लेटफॉर्म है, लोग उस पर डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में और सरकार में पारदर्शिता बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ तो ये हमारे देश के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम होगा। बिल्कुल। तो साथियों, ये रहा एक साक्षात्कार श्री दीपक द्विवेदी जी का। हम अगले एपिसोड में किसी और सम्मानीय वक्ता से मुलाकात करेंगे, आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर। नमस्कार।